जा भी तू, मैं गवाए मा भी तू, किस्मतों का लिखा मोड़ तू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस के डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो ट्यूटोरियल होने वाली है वो कैपकट एप्लीकेशन में होने वाली है। प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। वो जाने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो, ठीक है। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर चले जाना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में यहाँ पर आपको देखिए एल्बम मिल जाएगी। यहाँ पर से आपके सारे फ़ोन के फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ पर से वो फ़ोटो ले लेना है, जिस भी किसी फोल्डर्स में आपके फ़ोटोज़ होंगे वो ली फोल्डर में जाकर आपको सिंपली यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन देखने मिल जाएगा, वीडियोस एंड फ़ोटोज़। हमें यहाँ पर इस वाली वीडियो का जो है वो ट्यूटोरियल बनाना है, तो इस वाली वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपको क्रॉपिंग करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर क्रॉप पर चले जाना है। क्रॉप पर जाने के बाद आपको कहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करना है वहाँ तक चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर से आपको इसे कितने सेकेंड तक रखना है उस हिसाब से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मेरी वीडियो थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको 4K वीडियो बनाना है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखिए नीचे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, इस पर यहाँ पर फॉर्मेट पर चले जाना। उसके बाद यहाँ पर से आपको 5:8 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली ये वाली जो आपकी फोर वीडियो होगी उसको यहाँ पे से इस तरीके से आपको रोटेट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे मिडिल पे रख देना और इस तरीके से आपको जूम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस वीडियो पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगी कैनवास वाली, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी ब्लर वाली, ठीक है। उसमें से यहाँ पर से देखिए ये थर्ड वाली जो ऑप्शन होगी वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। ये वाली जो वीडियो होगी इसमें ब्लर इफेक्ट नहीं शो हो रही है, उसके लिए आपको सिंपली इसे पकड़ कर यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको छोटा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे इफेक्ट्स शो हो जाएगा, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में फ्रेम वाली ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको थर्ड वाली ऑप्शन शो होने लगेगी, MV कवर वाली। ये वाली इफेक्ट को लगा देनी है तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होने लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर टिक कर देना है। फिर ये वाली जो इफेक्ट होगी इसे यहाँ पर आपको पूरे वीडियो में यहाँ पर एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे स्टिकर वाली एक इफेक्ट मिल जाएगी, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे से फिल्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये बटन वाली जो ऑप्शन दिख रही है पावर वाली, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर से देखिए ये वाली इफेक्ट को ले लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको इसे रोटेट कर लेना है, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर लेना और यहाँ पर रख देना है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे टिक कर देना। फिर ये वाली जो आपकी इफेक्ट होगी इसे भी आपको एक्सटेंड कर देना अपने पूरे वीडियो में। उसके बाद आपको सिंपली फिर से आपको वीडियो के स्टार्टिंग पे आ जाना है। उसके बाद देखिए आपको स्टिकर वाले ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको प्ले वाली एक ऑप्शन मिल जाएगी, इसमें चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक इफेक्ट मिल जाएगी, ये हार्ट वाली, ये वाली इफेक्ट को लगा देनी है और यहाँ पर इसे रोटेट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसे छोटा कर देना और यहाँ पर इस हार्ट के ऊपर में रख देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये वाली इफेक्ट आपको अगर नहीं शो हो रही है तो यहाँ पर देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखी हूँ, अगर आपके जो कैपकट एप्लीकेशन में अगर नो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम आ रही है तो वो वहाँ पे से आप उसे देखकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर इसे एक्सटेंड कर देना अपने पूरे वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा।
तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो 4K वीडियो बनाना चाहते हो अब अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।